तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं टाइम कैलकुलेशन। इससे पहले वाली क्लासेस में हमने डेट की कैलकुलेशन करी थी और आज हम आपके साथ टाइम की कैलकुलेशंस करेंगे। हमने सभी को रिकॉर्डिंग की परमिशन दे दी है, आप सभी रिकॉर्ड कर लें। और इसमें से एक लोग हैं जो कि विक्की जी हैं, जिन्होंने मोबाइल फोन से ज्वाइन किया है, तो आपके लिए मैं रिकॉर्ड करके आपको भेज दूंगा। अब हम बात करते हैं अपनी टाइम कैलकुलेशंस की। सबसे पहले हम टाइम लिखने का तरीका जानेंगे कि टाइम कैसे लिखा जाता है एक्सेल के ऊपर। मैं जूम कर लेता हूं इसको। अगर मुझे यहां टाइम लिखना है तो जैसे यहां लिखा और कॉलम दिया और मिनट कर दिया। सेकंड है तो डालिए, नहीं डालने की कोई ज़रूरत नहीं। तो ये हो गया 10 AM। और मुझे अगर रात के 10 डालने हैं तो इसके डालने के दो तरीके हैं। एक तो मैं यहाँ पे 10:30 और स्पेस डाल के PM कर दूंगा तो रात का टाइम एक्सेप्ट कर लेगा। या फिर डायरेक्ट आप 22:30 या जो भी 24 आवर का जो मेथड है उसको आप डाल सकते हो, लेकिन फॉर्मेटिंग अपने हिसाब से ले सकते हो। यहाँ नंबर में आए और यहाँ टाइम में अपनी फॉर्मेटिंग जो चाहिए वो आप ले सकते हैं। हम बात करते हैं कि इसमें से सेग्रेशन कैसे किया जाए। मतलब मुझे आवर को अलग करना है, मिनट को अलग करना है और सेकेंड को अलग करना है। आवर के लिए हम यहां आवर का फॉर्मूला लगाएंगे, मिनट के लिए यहां हम मिनट का फॉर्मूला लगाएंगे और सेकंड के लिए हम यहां सेकंड का फॉर्मूला लगाएंगे। वापस मुझे टाइम बनाना है तो उसके लिए हम वापस टाइम का फॉर्मूला लेंगे, जिसमें आवर को सिलेक्ट करेंगे कॉपी, मिनट को सिलेक्ट करेंगे कॉपी, टाइम को सिलेक्ट करेंगे और यहां आपका टाइम बन जाएगा। जैसे कि डेट में हुआ था कि हम मंथ डे ईयर को अलग किया था फिर डेट से कंबाइन किया था। अब इसकी जरूरत क्या है? जैसे मान लीजिए कि मैं किसी टाइम में मैं 20 मिनट जोड़ना चाहता हूं, तो अगर 20 मिनट को टाइम फॉर्मेट में आपने रख दिया तो आप इजीली इसको आपस में प्लस कर सकते हैं, इजीली प्लस कर सकते। लेकिन अगर आपने टाइम को 20 में रख दिया इन द नंबर फॉर्मेट तो यहां पे थोड़ा सा दिक्कत होगा। क्या दिक्कत होगा? कि यहां 1 = 24 आवर होता है। जी हाँ, 1 = 24 आवर। तो इसको कैसे करेंगे? तो इसको हम टाइम फॉर्मूले से कर सकते हैं कि हम यहां इस पे प्लस टाइम फॉर्मूले में देंगे 0.20.0 सेकेंड का, तो आपका। अब टाइम की कैलकुलेशन समझ लीजिए कि मैं सुबह 10:30 ऑफिस से गया और रात को 8 ऑफिस से सुना, तो मेरा कितने घंटे का वर्क हुआ। अगर डेट जो है हमारा सेम डे का है तो लेटेस्ट टाइम माइनस ओल्डेस्ट टाइम हम यहाँ डालेंगे, लेटेस्ट टाइम माइनस ओल्डेस्ट टाइम। लेकिन अगर मैं बोलूं कि आज, मतलब कि आज की डेट है, आज सुबह 10 बजे नहीं, मैं 2 बजे करता हूँ कि 2 बजे ऑफिस से गया और 21 तारीख को 3 बजे रात में हम ऑफिस से बाहर आए, तो कितने घंटे का जॉब हुआ। अब यहाँ पे देखिए डेट चेंज हो गया है, तो याद रखिएगा डेट एंड टाइम इस तरह से लिखेंगे तो आप इजीली माइनस कर सकते हैं लेटेस्ट डेट एंड टाइम ओल्डेस्ट डेट एंड टाइम से और इसके ऊपर टाइम का फॉर्मेट लगा लीजिए। टाइम का फॉर्मेट जब इस तरह की होती है तो हम इसको 37:30:55 वाला ही देते हैं, सही रहता है। उसे बड़ा करता हूँ। हाँ,
सेम रह गया डेट, हाँ यहाँ 22 होगा, इसका ध्यान आप रखेंगे। मान लीजिए कि मैंने अगर 10 को इसमें किया हुआ है तो कैसे होगा, ये दिक्कत है ना, ये 10:30 नहीं हुआ, ये नंबर है, ये गलत हो जाएगा। तो कभी कभी क्या होता है कि टाइम को मुझे इस, हमें इस तरह से करना पड़ता है। तो आई थिंक इसको मल्टीप्लाई बाय 24 कर देते हैं, मैं भूल रहा हूँ सर ये फॉर्मूला, क्योंकि इस फॉर्मूला में 2 साल पहले किसी को बताया था, कल शाम में किसी ने मुझसे पूछा है, जैसे कि मुझे 10 नहीं, मुझे यहाँ पे मान लीजिए कि 1 घंटा 20 मिनट हुआ, 1 घंटा 20 मिनट हुआ, तो टाइम फॉर्मेट में है तो कैलकुलेशन में दिक्कत होता है, तो मुझे 1.20 चाहिए, समझे, 1.20। तो इसके लिए हमें कोई एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है कि दैट इज मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 या होता है ना, तो ये आ गया 21 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 24 आवर, कुछ होता है सर, मैं तब भूल रहा हूँ। हेलो आइडिया ये होता है सर, मैं सही कर रहा था, सही कर रहा था। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 24 कर देता हूं और फिर इसको नंबर फॉर्मेट करता हूं 2 डिजिट में, कस्टम नंबर में 1.33 आ रहा है, तो अगर मैं 1 घंटा 30 मिनट करूं तो ये आपका 150 आएगा। जी हाँ जी, सही सही, मैं सही कर रहा था, माफ कीजिएगा, थोड़ा भूल गया था सर, ऐसे ही मैथमेटिक थोड़ा सा वीक है ना सर। ठीक है सर, मैं सर यहाँ पे एक चीज समझ लीजिए, किसी भी टाइम को मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो 1.20 था ना, इसलिए दिक्कत था। तो अगर आपको नंबर में चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम नंबर्स पे ही काम करते हैं, जैसे कि घंटे का आवर्स, मान लीजिए ना कि 1 घंटे का हम जो है 500 रुपीज पे करते हैं, अब मुझे इसका अगर ये चाहिए अमाउंट निकालना चाहिए, तो टाइम में अगर अमाउंट हम निकालते हैं तो मुझे इसमें से आवर को अलग करना पड़ेगा, क्योंकि मैं इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई बाई 500 करूंगा तो ऐसा नहीं कि 750 रुपया आ जाएगा ना, देखिए, क्योंकि एक जो है डेसिमल्स में है, ये आप इसके ओरिजिनल वैल्यू देखेंगे तो डेसिमल्स में है, तो इसलिए हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 24 कर देने पे ये नंबर में हो जाता है। अब मैं इसको इजिली मल्टीप्लाई बाई 500 कर दूंगा, ठीक है, इसलिए इसको हम कन्वर्ट करते हैं टाइम।
आगे बढ़े सर। तो टाइम की कैलकुलेशन समझ में आ गया। तो सर ये टाइम निकला कि क्या वैल्यू निकला 1.50 है? इसने टाइम को नंबर फॉर्मेट में कर दिया एक घंटा। क्योंकि यहां पे क्या होता है कि डेसिमल्स क्या होता है कि 60 के बाद वन हो जाता है ना सर, इसमें 60 के बाद तो वन हो जाएगा सर। हाँ लेकिन नंबर में तो वो 100 के बाद वन होता है ना, समझ रहे सर? तो अगर 1.3 है तो ये नंबर में 1.5 होगा, डेढ़ ही होगा ना सर। सिंपल सी बात समझ लीजिए ना, अगर आपको डेढ़ घंटे का अमाउंट पे करना है तो ये आपका टाइम फॉर्मेट है, तो कैसे कम मल्टीप्लाई करेंगे आप? तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आवर निकालना पड़ेगा। ये आपका आवर निकाल दिया कि एक घंटा, ठीक है? फिर आपको यहाँ मिनट निकालना पड़ेगा। ओके, मिनट आपके सामने आ गया 30, एक घंटा 30 मिनट, राइट? अब इस 30 को आप डिवाइड करेंगे 60 से और फिर इन दोनों को प्लस करेंगे, तब जाके आप इसको मल्टीप्लाई बाय 500 करेंगे। क्लियर सर? ठीक सर, समझ गया सर। अब यहां पे इसने जब मल्टीप्लाई बाय 24 करते हैं इजीली कर दिया। अब डेट एंड टाइम फॉर्मूले में क्या क्या फॉर्मूला रह गया है एक बार चलिए देख लेते हैं। तो हमने डेट फॉर्मूला करा, डेट वैल्यू, अगर डेट को अगर आपने नंबर में लिख रखा, टेक्स्ट में लिख रखा है तो उसको नंबर में कन्वर्ट कर देता है। डेज डेज डे 60, ई ई डेट, ई ओ मंथ, आवर हम कर ही चुके हैं। एक हमारे पास वीक डे और वीक नंबर का फॉर्मूला है, उसको एक बार बात कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने कोई डेट डाला हुआ है, मुझे इसका वीक डे जानना है। वीक डे के लिए एक तो है कि टेक्स्ट फॉर्मूला लगा लें और इसमें आप कर दें डी डी डी, तीन बार डी डी, तो यहां पे आपको वीक आ जाता है। लेकिन मुझे वीक को नंबर में चाहिए कि यहां पे वेडनेसडे है तो ये आना चाहिए 3, अगर थर्सडे है तो 4, मंडे है तो 1, समझे? उसके लिए हमारे पास वीक डे का फॉर्मूला है, वीक डे, और आपने सेलेक्ट कर लिया वीक को, डेट को, और यहां आपका पूछा जाता है कि आपका वीक कब से स्टार्ट होता है। क्योंकि तो बहुत सारे कंट्रीज में गल्फ की बात करें तो वहां सैटरडे फ्राइडे और सैटरडे ऑफ होता है, या फ्राइडे ऑफ होता है, सैटरडे से स्टार्ट होता है या फिर संडे से स्टार्ट होता है। हम लोग मंडे से वीक स्टार्ट करते हैं, तो वो वीक सेलेक्ट कर लीजिए और एंटर मार, आपका नंबर आ जाता है, राइट? अब जैसे कि मैंने आज का डेट डाला, मुझे पता करना है कि साल का कौन सा वीक चल रहा है, ये आपका वीक नाम बताता है। वीक नाम या आईएसओ वीक नेम दोनों एक ही होता है। आईएसओ वीक नाम देख लीजिए, ये आपका 21 आया और आपका वीक नाम भी उतना ही दिखा, ठीक है? तो ये आपका ये था। उसके बाद हमने नाउ सेकेंड टाइम वैल्यू, टुडे, ईयर, वर्क डे, बाकी सब फॉर्मूला हम कर चुके हैं। एक फॉर्मूला रह गया है ईयर फ्रीक्वेंसी। चलिए आज हम टाइम फॉर्मूले की सबसे लास्ट फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, ईयर फ्रीक्वेंसी। जैसे कि मान लीजिए कि आप एक तारीख को एक काम लिए और आज आप खत्म कर रहे हो। आपसे बात हुई थी कि ईयरली आपको जो है 5 लाख रुपये का दिया जाएगा, बट आपने एक साल तो काम किया नहीं, आप आज खत्म कर रहे हो, तो आपको कितना पैसा दिया जाए? तो जनरली लोग क्या करेंगे, लेटेस्ट डेट माइनस ओल्डेस्ट डेट, फिर इसको डिवाइड करेंगे 365, देन उसको परसेंटेज में निकालेंगे और फिर बोलेंगे कि इतना परसेंट आपको बिल किया जाएगा, क्या सर यही करेंगे ना? तो इसके लिए हमारे पास ईयर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है, इसमें स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट, एंटर प्रेस कीजिए और इस पे आप परसेंटेज का सैंपल दे दीजिए, ये आपका 39% आ जाएगा।
डेट एंड टाइम और टेक्स्ट दोनों फॉर्मूला हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। अब टाइम आता है कि आपने कितना सीखा है इस चीज को बताने के लिए। क्या तैयार है आप लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? हेलो जी, तो मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, तो 10 क्वेश्चंस का एक लिस्ट होगा, मैं पहले खोज रहा हूं और वो हम आपको देते हैं। पहले क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। यही क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन समझते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मुझे इसमें फ्लाइट क्लासेस है, इसमें से आपको काउंट करना है कि बी कितना बार है, ई कितना बार, एफ कितना बार है। ओके, उसके बाद यहां आपको फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को अलग करना है। इसमें आपको इनके नेम को ज्वाइन करना है तीनों को इस फॉर्मेट में। मनीष कुमार वर्क फ्रॉम 1st Jan to 20th March। क्वेश्चन नंबर 4, आपको रैप्ड फॉर्मूला का एग्जांपल देना है। रैप्ड फॉर्मूला करता है क्या है, जो नंबर देंगे उसी को रिपीट कर देता है। जितना आपने 5 टाइम बोला था, इसे 5 टाइम रिपीट कर दिया। इसका एक एग्जांपल देना है जो हम ऑफिस में यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसको नंबर में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 7, हमने यहाँ पे मंथ दिया हुआ है, सिर्फ मंथ मार्च टेक्स्ट फॉर्मेट में, इसको मुझे स्टार्ट डेट और एंड डेट में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 6, मुझे यहाँ पे निकालना है एज। डेट ऑफ बर्थ और आज का डेट में कितने साल हुआ और उसको इस फॉर्मेट में शो करवाना है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 8 को ध्यान से समझिएगा, इसमें निकालना है आपको ड्यू डेट। ड्यू डेट जैसे कि आप क्रेडिट कार्ड यूज करते होंगे, तो जैसे कि क्रेडिट कार्ड में आपको 5 से 6 का बिलिंग सर्कल होगा कि आप 5 तारीख को 6 तारीख को 7 तारीख को जो भी आप खरीदेंगे, अगले महीने की 5 तारीख को आपका बिल जनरेट होगा, अगले महीने की 26 तारीख को आपको देना है। अगर आपने 1 तारीख या 2 तारीख को परचेज कर लिया तो आपको इसी महीने 5 तारीख का बिल बनेगा और 26 को देना होगा। एक ड्यू डेट आपको निकालना, एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पे 1-2-4 लिख दिए, बट आपको फॉर्मूले से निकालना है। क्वेश्चन नंबर नाइन में आपको इसके अंदर डेट के अंदर इतना इस पीरियड को ऐड करना है। और क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि इसका वर्किंग आवर निकालना है कि रिपोर्टिंग डेट एंड टाइम ये है, आवर डेट एंड टाइम है, तो कितना घंटा उसने जॉब किया है। सिंपल है और मेरे हिसाब से आप लोगों से हो जाना चाहिए। फिर भी ये फाइल हम लोग आपको भेज देते हैं, ये सबको।